Outrage on social media has also now forced the Maharashtra government to sit up and take notice and act. We earlier spoke to MOS Home Ram Shinde, who has promised action against those errant cops. Listen in. मैंने वो वीडियो देखा है, पूरे गंभीरता से लिया है होम डिपार्टमेंट ने, और मैंने जांच के आदेश भी पारित किए हैं. जोन 4 के डीसीपी अशोक दूधे करके वो जांच करेंगे. दो दिन के अंदर वो पूरी जांच करने के बाद वो रिपोर्ट देंगे. उसके बाद जो भी कोई गैरकानूनी से और वो पब्लिक प्लेस में ऐसे मारपीट करते हुए जो भी कुछ उसे बताएगा उसके अंदर वो कार्रवाई हो जाएगी. सर, अगर वीडियो आपने देखा, आप कह रहे हैं आपने देखा है, वो जिस तरीके से थप्पड़ मारे जा रहे हैं उस लड़की को, कोई प्रोवोकेशन नहीं है उसके तरफ से, पर उसे थप्पड़ मार मार के वो पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, चाहे कहां भी ड्रैग कर रहे हैं. इज दैट द वे द मुंबई पुलिस इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव? आई मीन, इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, विल यू नॉट टेक सम एक्शन और सस्पेंड द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट्स क्लियरली सीन इन द वीडियो. वो जो वीडियो में देखा जा रहा है कि उसके अंदर उन्होंने पहले से क्या क्या किया था, उसके साथ में कौन था, उन्होंने क्यों मारा है, मारने का कोई एक तरीका, पब्लिक प्लेस में क्यों मारा है, वो सब सारा. कल गणपति विसर्जन का डे था, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और पूरे पुलिस लगा हुई थी और ट्रस्ट के लोग भी अच्छी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र के और कहाँ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. फिर भी ये लालबाग के राजा के अंदर बहुत सारा जो भक्तगण आता है वहाँ पे ये हादसा हुआ है. वो 25 तारीख का हादसा, कल का नहीं है. 25 तारीख का भी होता है, लेकिन वहाँ पे जरूर 10 दिन पूरा भीड़ होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, और उसमें जो हुआ है वो जरूर ठीक नहीं हुआ है. इसलिए होम डिपार्टमेंट ने गंभीरता से लिया है, इंक्वायरी बिठा है. दो दिन के अंदर वो इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा और इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.